गुड मॉर्निंग पैसेंजर्स। चेस टू गुड हेल्थ एंड चेस फॉर अस। सारंगे टुडे आई एम हेडिंग टू नागालैंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट विच इज फेमस फॉर लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। तो अभी वहाँ पे हॉर्नबिल चल रहा है, हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो अभी ये जो मेरी ट्रेन है ये 2 दिन की जर्नी है जो मुझे पहुँचाएगी गुवाहाटी। फिर गुवाहाटी से दूसरी ट्रेन पकड़ के मैं जाऊँगा दीमापुर और वहाँ पे हम लोग विटनेस करेंगे हॉर्नबिल फेस्टिवल। और यहाँ है, ये है मेरी सीट जो मैं अगले 2 दिन में यहाँ स्टे करूँगा। तो ये है मेरी सीट। So join me to craziness adventure of Nagaland. After 2 days long journey from Indore, मैं आ गया हूँ गुवाहाटी। तो अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ नागालैंड दीमापुर, जो यहाँ तक ट्रेन जाती है गुवाहाटी से और वो मेरी ट्रेन है 11 बजे। बट नागालैंड जाने से पहले वहाँ एक इनर लाइन परमिट लगता है। तो जो मेरी ट्रेन है 11 बजे मैं यहाँ से जाता हूँ और सुबह 4 बजे मैं वहाँ पहुँचूँगा अर्ली मॉर्निंग दीमापुर में। अगर वहाँ होता है तो मैं वहाँ से इनर लाइन परमिट करता हूँ, नहीं तो मैं ऑनलाइन वेबसाइट से भी एक बार ट्राई करता हूँ और वेबसाइट की लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, आप जब भी आएँ तो यहाँ पे कर सकते हैं। आफ्टर 3 डेज लॉन्ग जर्नी आई फाइनली अराइव नागालैंड। तो ये है दीमापुर रेलवे स्टेशन और अभी मैं पूरा एग्जॉस्टेड हो गया हूँ इतनी लंबी जर्नी से। फर्स्ट मैं होटल चेक इन करता हूँ एंड देन एक्सप्लोर करते हैं दीमापुर एंड उसके बाद चलेंगे हॉर्नबिल फेस्टिवल में। तो दिस इज, तो यार 3 दिन की जर्नी के बाद मैं काफ़ी थक गया था और होटल चेक इन करने के बाद मैं डायरेक्ट थोड़ा रेस्ट लिया और सो गया था। और अब मैं उठ के रेडी हो के अब मैं निकल रहा हूँ दीमापुर। दीमापुर सिटी को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, यहाँ जो साइट सीन है उसको कवर करते हैं। बट उससे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ, मेरा ये रूम था, ये मुझे मिला है 1000 रुपीज़ में जो कि रेलवे स्टेशन के पास ही है और काफ़ी अच्छा रूम है। तो चलिए चलते हैं। ओ एयरपोर्ट, एयरपोर्ट तरफ जो रास्ता कटता है ना। ओके, तो ये जो रास्ता जा रहा है ये दीमापुर एयरपोर्ट की तरफ है। तो वेलकम टू दीमापुर। दीमापुर एक मेन सिटी है जो कि कनेक्ट करती है कोहिमा एंड मणिपुर के लिए और यहाँ पे मेन रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट है। तो किसी को हॉर्नबिल फेस्टिवल के लिए आना है तो डायरेक्ट वो बाय एयर भी आ सकता है यहाँ पे। तो सबसे पहला जो साइट सीन है वो एयरपोर्ट के पास ही है जिससे मैं अभी जस्ट देखने जा रहा हूँ। 40 रुपीज़ ले लीजिए, ठीक है। सो फर्स्ट, हाँ बाय 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 बाय, थैंक यू। सो दीमापुर में हमारा जो फर्स्ट साइट सीन है वो है स्टोन गार्डन और उसकी एंट्री टिकट है 40 रुपीज़। और यहाँ कुछ कल्चरल प्रोग्राम चल रहा है जिसकी ये तैयारियाँ चल रही हैं यहाँ पे। और ये अभी जो मैंने पूछा तो 3:30 से स्टार्ट है एंड देन ये कुछ हट बने हुए हैं यहाँ पे स्टोन गार्डन में। वाओ। हेलो सर, विच ट्राइब डू यू बिलोंग? होम, फेमस फोम ट्राइब। वाओ, and this kind of weapon they hold like this, ye shield hai and this is a spear. Okay, foam tribe. ye raha shayad stone garden ki yahi khasiyat hai kyunki stones mein banaya hua hai, pura represent kiya hai Nagaland. So may I look? Okay, thank you.
सो ये हट बने हुए स्टोन गार्डन में कुछ इस तरह से, और काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे पिकनिक क्या पार्टी करने के लिए। तो ये है हट। वाह यार, आई गॉट न्यू फ्रेंड्स फ्रॉम नागालैंड। तो ये है मेन स्टेज और ये सारा स्टेज के यहाँ पे चेयर्स लग चुके हैं, जो कि पीपल अभी आने वाले हैं, पीपल गैदर हो रहे हैं सारे ट्राइब्स के और विटनेसेस भी। और वहाँ से अगर देखेंगे तो वो सारे मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं स्टोन्स के। To begin our event, we have Bakurumba dance of Boro community. Bakurumba, hai Bakurumba. सो हमने देखा नॉर्थ ईस्ट कल्चरल प्रोग्राम जिसमें 5 ट्राइबल्स ने परफॉर्मेंस दिया, बोडो, आदिवासी, फोप, सुमी एंड मणिपुरी। और इसको कराया था नॉर्थ ईस्ट कल्चरल प्रोग्राम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आता है। ये है इधर का सुपरमार्केट जिसको बोलते हैं वेनसडे सुपरमार्केट। पोर्क ओके। तो सेकंड साइट सीन है वो है कचारी रुइंस या कहें कचारी किला, जो कि 10वीं शताब्दी में बनाया गया था। और ये दिमापुर का जो किला था, धनसरी रिवर बहती है यहाँ से, तो ये धनसरी रिवर के पास में बहुत बड़ा विशाल एक साम्राज्य था कचारी राजवंशों का। बट 13th century में अहम लोगों ने इस पर आक्रमण किया और ये अब पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। तो आज भी उसके कुछ अवशेष हैं जो यहाँ पे मौजूद करके रखे गए हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये सामने ये किले के अवशेष हैं जो कि नष्ट हो गया था। और ये था मोनोलिथ का एक बड़ा स्टैचू जो अभी बचा हुआ है, इट इज स्टिल रिमेन। और ऊपर आप इसमें कुछ नक्काशियां देख सकते हैं जो 10th century में बनाई गई थी। आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ और आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। दिमापुर में ही रहूँगा कल और उसके नेक्स्ट डे फिर मैं निकलूँगा कोहिमा के लिए। तो स्टे ट्यून्ड विद पैसेंजर कोरी। तो अभी के लिए खेलों में तोरे सौंगे।